हे दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा एवापोरेशन एंड बॉइलिंग में के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। इसे हम लोग कॉन्सेप्चुअली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एवापोरेशन कब होता है और बॉइलिंग कब होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट हमारे पास कोई लिक्विड है वेशल में, लेट वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस में भी होते हैं, ठीक है, इनसाइड में भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हर जगह। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल को हम होल्ड करें तो उसके अगल बगल भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, इधर खींच रहे होंगे उसे, ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इधर जो ये सब है, मतलब यहाँ के लिक्विड है, वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके पास इतना एनर्जी इसके पास आ जाएगा कि वो यहाँ से इसके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उसको वो ओवरकम कर सके, ठीक है, और यहाँ से ये डिटैच हो सके और एस्केप कर सके, तो ये बाहर आ जाएगा ये मॉलिक्यूल्स। तो इसके पास अगर इतना एनर्जी आ जाता है कि यहाँ से एस्केप कर सके इसके अट्रैक्शन फोर्स से, तो वो बाहर आ गया, तो वही हो जाता है उसका एवेपोरेशन, ठीक है। अब सारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स उसी तरीके से बाहर एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एवेपोरेशन है वो क्या होता है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, एवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल एस्केप स्लोली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब ये जो सरफेस है इस लिक्विड के सरफेस से वो धीरे धीरे एस्केप करते हैं स्लोली, ठीक है, ये है। बट जो बॉइलिंग है उसमें क्या होता है कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स या फिर कहीं का भी ले ले इस बल्क लिक्विड में, ये कहीं का भी मॉलिक्यूल से उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी होता है कि वो एस्केप कर सके, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है, मतलब इसके पास भी इतना एनर्जी है, इसके पास भी इतना एनर्जी है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी, क्योंकि हम लोग बॉइलिंग क्या करते हैं, हम लोग हीटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हीट करने से क्या होता है, ये लिक्विड बॉयल करता है, बॉयल करता है मतलब कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी है कि वो स्किप कर सके। तो होता क्या कि यहाँ पे वेपर बबल्स फॉर्म करता है, वेपर बबल्स फॉर्म करता है, और ये वेपर उठ उठ के ऊपर आते हैं और ऊपर आके बर्स्ट कर जाते हैं और वो वेपर बन करके बाहर चले जाते हैं। तो हर जगह ये वेपर बबल्स फॉर्म कर रहा होता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के पास उतना एनर्जी है कि वो स्किप कर सके, लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास ही उतना एनर्जी होता है कि इवेपोरेट कर सके, ओके। अब जो इवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे हो सकता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, अगर वाटर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, पर बॉइलिंग है वो फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है। वो अगर वाटर के लिए देखें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, ठीक है, ये इसके लिए फिक्स है, वाटर के लिए इतना ही पे होगा बॉइलिंग। बट इवेपोरेशन है वो वाटर हमेशा होता रहता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे भी, 2 पे भी 3 पे भी, मतलब सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा इवेपोरेट करते रहते हैं, उसको 100 डिग्री सेल्सियस ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई सोचे कि 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे उसके बाद ही वेपर फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं, वेपर जो है वाटर के ऊपर हमेशा फॉर्म कर रहा होता है ना, बस वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी हो जाता है कि वो स्किप कर सके। लेकिन जो बॉइलिंग का करेंगे बात, तो बॉइलिंग के केस में जो पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के पास उतना एनर्जी होता है कि वो स्किप कर सके, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है, ठीक है। ये तो ये दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।